देखिए, जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया, और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूँ, और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। अभी ज़रूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना, क्योंकि जिस तरह का उनके पास सोशल मीडिया का नेटवर्क है, जिस तरह से संसाधन उनके दिखाई दे रहे हैं, अभी आपको जानकारी हुई होगी कि किस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ का वोट लूटा था। मान लीजिए ये तो बैलेट से वोट पड़े थे, इसलिए लोगों को पता लग गया कि बैलेट में हेरा फेरी हुई है। मान लीजिए मशीन से वोट पड़ा होता तो मशीन को कहाँ से खोलते, हम कहाँ से कोई देख पाता। तो ये तो बैलेट की वजह से इनकी चोरी पकड़ी गई, वोट की लूट पकड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी एक ग्रोह की तरह काम कर रही है, राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ग्रोह की तरह काम कर रही है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या फैसला लिया कि जिसको बैलेट से हराया था उसको जिताया सुप्रीम कोर्ट ने। एक आस और उम्मीद जगी है कि जनता जागरूक हो जाए, ये वोट लूटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है आने वाले चुनाव में।